मुरिया नाम के एक गांव में रहते थे दो भाई। बचपन से ही उनकी हमेशा झगड़ने की आदत थी। इस वजह से बड़े होने पर दोनों साथ में नहीं रहते थे। दोनों के घर अलग थे। एक भाई मुरारी लाल बहुत अमीर था और दूसरा भाई बंसी लाल बहुत गरीब था। मुरारी लाल के घर में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, हर दिन अच्छा अच्छा खाना खाते और हर त्योहार धूमधाम से मनाते। उधर बंसीलाल के घर में एकदम उल्टा था। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, इसलिए घर में कभी पैसे नहीं रहते थे। पैसों की तंगी होने से उसके यहाँ ना किसी के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना खाने के लिए भरपेट खाना। मुरारी लाल बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था और बंसीलाल बहुत कठिनाई भरी जिंदगी। बंसीलाल से अपने परिवार की बुरी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उसने अपने भाई मुरारी लाल से मदद मांगने की ठान ली। वो मुरारी लाल के पास गया और बोला, मुरारी भाई कैसे हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत मुसीबत में हूँ भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं जानता था, हर बार की तरह आज भी तुम कुछ ना कुछ मांगने ही आए होंगे। ऐसा मत बोलो भाई, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारे बीवी बच्चों का मैं क्यों फिक्र करूं? चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मुरारी लाल ने बंसीलाल को अपने घर से निकाल दिया। अपने भाई की कठोर बातों से दुखी होकर बंसीलाल वापस अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी लकड़ियों का बड़ा गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा है। बंसीलाल अच्छे स्वभाव का था, उससे ये देखा नहीं गया कि इतना बूढ़ा आदमी अकेला इतना वजन उठा रहा है। उसने उनकी मदद करने की सोची। अरे काका रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। धन्यवाद, मुझसे भारी वजन उठाया ही नहीं जा रहा है, अच्छा हुआ तुम आ गए। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं काका, कुछ नहीं। देखो, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बोलो बेटा, क्या बात है? मैं बहुत गरीब हूं काका, मेरा परिवार भूखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं पैसे भी नहीं कमा पा रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपने परिवार का पोषण कैसे करूं। अच्छा ये बात है, तुम ये लकड़ियां का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचाने में मदद करो तो मैं भी तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? चलिए मैं आपकी मदद करूंगा। बंसीलाल ने वो भरा गट्ठर अपनी पीठ पे लादा और उस बूढ़े इंसान के पीछे पीछे उनके घर तक गया। इस गट्ठर को यहाँ रख दो बेटा, धन्यवाद, प्रभु तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करे। फिर वो अपने घर से एक मीठी रोटी लाया और बंसीलाल को दे दी। इस रोटी को लेकर तुम जंगल में जाओ, काफी दूर जाने पर तुम्हें आलू बुखारे के 3 पेड़ दिखेंगे। उन पेड़ों के पीछे एक छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी, वहां 3 बोने रहते हैं और उन्हें मीठी रोटी बहुत पसंद है। उन्हें ये रोटी देकर बदले में तुम्हें उनसे पैसे नहीं पत्थर की चक्की मांगनी है। बंसीलाल ने उनकी सारी बात बहुत ध्यान से सुनी और मीठी रोटी लेकर वो तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर आगे चलने पर उसे आलू बुखारा के वो 3 पेड़ दिखे जो उस बूढ़े आदमी ने बताए थे। उन पेड़ों के फल बहुत मीठे और ताजे लग रहे थे। बंसीलाल का मन वहाँ कुछ देर रुक कर फल खाकर आगे बढ़ने का हुआ, लेकिन वो उन बोनों के पास पहुँचने में देर नहीं करना चाहता था।
उसने अपनी भूख को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे पहाड़ दिखा और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी। झोपड़ी देखकर बंसीलाल खुश हो गया और एक नई फुर्ती के साथ वो आगे बढ़ने लगा। वो झोपड़ी के अंदर गया और उसने देखा वहाँ तीन बौने थे। बूढ़े आदमी की सारी बातें सच थी। वो पहले से ही मन उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद करने लगा। बंसीलाल ने पहले कभी बौने नहीं देखे थे। उन्हें देखते ही वो थोड़ा उत्साहित हो गया। उनके हाव भाव, उनके कपड़े, उनकी टोपी आदि देखता ही रह गया। वो भूल गया कि वो किस काम के लिए आया था, लेकिन बौने उसे देखकर बहुत नाराज हो गए। लेकिन बंसीलाल अपने उत्साह में उनका गुस्सा देख ही नहीं पाया। अचानक बौना बोला, कौन हो तुम, अंदर कैसे आ गए? बंसीलाल अचानक उनकी आवाज सुनकर सहम गया और होश में आया। मैं बंसीलाल हूँ। कौन बंसीलाल? हम किसी बंसीलाल को नहीं जानते। तुम जरूर कुछ चुराने आए हो, इसे पकड़ के बांध देना चाहिए। ये सुनते ही बंसीलाल डर गया और उसके हाथ से वो मीठी रोटी नीचे गिर गई। नहीं नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो ये मीठी रोटी। देखते ही बौनों का गुस्सा कुछ इस तरह गायब हो गया जैसे बारिश के बाद गर्मी गायब हो जाती है। अरे, इसके पास मीठी रोटी है, हमें मीठी रोटी बहुत पसंद है, क्या ये तुम हमारे लिए लाए हो? हाँ हाँ, मैं ये आपके लिए ही लाया हूँ, लेकिन मैं ये बेचने के लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं, हम इसे खरीदेंगे। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, तुम जो चाहो ले सकते हो। धन्यवाद, मुझे इसके बदले में पत्थर की चक्की चाहिए। हमें मंजूर है, ये लो चक्की। इतना सुनते ही उस बौने के हाथ में पत्थर से बनी चक्की आ गई। उसने वो चक्की बंसीलाल को दे दी। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो। जब तुम इससे पीसोगे तब ये चक्की तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, काम हो जाने पर इस चक्की को एक लाल कपड़े से ढक देना, जिससे ये चक्की रुक जाएगी। मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश होकर बंसीलाल वो चक्की लेकर अपने घर वापस आ गया। घर में उसके बच्चे और पत्नी का भूख से बुरा हाल था। उसने तुरंत जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और चक्की को उस पर रखा। उसने अपनी बीवी से एक लाल कपड़ा लाने को कहा। वो चक्की को घुमाने लगा और चक्की चक्की मुझे दाल दो चक्की। उसके इतना बोलते ही चक्की में से दाल निकलने लगी। हांडी भर दाल मिलने के बाद उसने चक्की को लाल कपड़े से ढक दिया और उस चक्की ने दाल बनाना बंद कर दिया। फिर उसने उसी तरह चक्की से चावल मांगा और चक्की ने ढेर सारा चावल दिया। चक्की को लाल कपड़े से ढकने के बाद उस दिन उन सब ने पेट भर के खाना खाया। वो अब हर दिन उस चक्की से नई नई चीजें मांगने लगा, कभी आटा, कभी चावल, कभी बाजरा, मसाले इत्यादि। चक्की उसे वो हर चीज देती गई जो वो मांगता गया। चक्की से मिली सारी वस्तुओं को वो बाजार में बेचने लगा। कुछ ही दिन में उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। उसने अपने लिए एक बड़ा आलीशान घर बनवा लिया। अब उसके परिवार के पास सब कुछ था, खाने के लिए भरपेट खाना और पहनने के लिए अच्छे कपड़े। सभी बहुत खुश थे। उनकी ये खुशी लेकिन एक इंसान से देखी नहीं जा रही थी। मुरारी लाल को उसकी खुशहाली देखकर जलन होने लगी। कुछ दिन पहले तो ये मेरे पास उधार पैसे मांगने आया था, मगर इतनी जल्दी ये अमीर कैसे हो गया? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, जरूर कोई चक्कर है। ऐसा सोचकर एक दिन वो अपने भाई बंसीलाल के घर में चुपके से घुस गया। थोड़ी ही देर में उसे चक्की के बारे में पता चल गया। अगले ही दिन उसने उस जादुई चक्की को चुरा लिया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने की ठान ली। चक्की लेकर वो गांव से निकल पड़ा। वहां पास ही एक सागर था जो उसे पार करना था। वो सभी नाव में बैठकर सागर पार करने लगे। बीच रास्ते में ही उसने उस चक्की को चलाना चाहा। उसने चक्की को चलाया और अपनी इच्छा प्रकट करी। चक्की चक्की मुझे नमक दो चक्की। बस फिर क्या था, चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया।
उस चक्की से नमक निकलता रहा और नाव बहुत भारी हो गई। अपने लालच के चक्कर में मुरारी लाल ने उस चक्की को बंद करने का तरीका ही नहीं देखा था। अब वो चक्की घूमती रही और उससे नमक निकलता गया। नमक के भार से उसकी नाव डूब गई और मुरारी लाल का पूरा परिवार उस सागर में डूब गया। फिर भी चक्की से नमक निकलना बंद नहीं हुआ। आज भी उस चक्की में से नमक निकल रहा है, शायद इसलिए सागर का पानी खारा हो गया है।